नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम टॉपिक कवर करेंगे 1 लाख रुपीस इनकम पर मंथ। देखो सभी का सपना है, जैसे वेस्टेज में जुड़े हैं, जब भी आपने प्लान देखा था तो तभी आपने एक मन में अपना एक ड्रीम बना लिया था कि कम से कम एक बहुत अच्छी हेल्दी इनकम हम यहाँ से टच करेंगे। लेकिन ये किस तरीके से होगा वो भी जानना जरूरी है कि किस तरीके से हम काम करेंगे तब जाके ये इनकम हम पा सकेंगे। दोस्तों आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए अब धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो चुका है और हम फिजिकली भी एक दूसरे से प्लान बताना लगभग हर स्टेट में स्टार्ट हो चुका है। हमने खुद भी यहाँ गुजरात में अभी फिजिकली मतलब के 1-on-1 या होम मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़े प्रिकॉशंस जरूर लिए हैं, आपको भी प्रिकॉशंस लेने हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अंधाधुंध जाके लोगों को प्लान बताइए, हाँ थोड़ी एहतियात बरत के अब एक दूसरे से मिलना लोगों का स्टार्ट हो चुका है। अब तक हमारा सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, तो देखो अब वक्त आ गया कि जिन लोगों को लॉकडाउन में हमने जूम मीटिंग पे इनवाइट किया था उन लोगों को जाके पर्सनली भी मिलेंगे, कुछ हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मुलाकात करेंगे, जो बिल्कुल नए जुड़े थे ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके थे उनसे बात करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। तो वो सारे पॉइंट मैं आज यहाँ कवर करूंगा कि 1 लाख रुपीज। देखो सभी का इनकम का ये सपना है कि हमें कम से कम ये इनकम तक पहुंचना है, तो ये कुछ 2-5 स्टेप मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर उसको अगर फॉलो कर लिया तो डेफिनेट आप ये इनकम तक पहुंच सकते हो। सबसे पहला पॉइंट तो क्या आता है, अगर आप बिल्कुल भी नए जुड़े हो तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि एजुकेशन। एजुकेशन देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये बिजनेस को सीखना पड़ेगा। अगर आप नए जुड़े हो तो जो ऑलरेडी आप जो सफल व्यक्ति के साथ जुड़े हो उनके साथ सीखना पड़ेगा, बैठ के समझना पड़ेगा ये बिजनेस को। देखिए हर एक बिजनेस का अपना अपना कुछ यूनिकनेस होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सीखना और समझना बहुत जरूरी होता है। देखो आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, आज मॉर्निंग एक जूम मीटिंग मैंने अटेंड की थी, वहीं पर से ये कुछ सीखा था और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो देखिये आज मैं भी लर्निंग मोड पे हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आ गया अब मैं आपको साथ तकरीबन 6 महीने से वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो एक महान व्यक्ति बन गया, एक टीचर बन गया। नहीं, मैं भी आज सीखता हूँ। जो लीडर्स सिखाते या जो जूम मीटिंग में कुछ नया सीखने मिलता है वो मैं आपको पास ऑन करता हूँ। तो लर्निंग मोड में हमेशा रहना पड़ेगा, ये एक तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपको। दूसरा, जब भी आप किसी को प्लान बताने जाते हो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक कर लेते हैं, उनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। वो हमेशा यही सोचते हैं, मतलब घर से ही ऐसा कॉन्फिडेंस, लूज कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं कि शायद वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए। जब भी किसी को प्लान बताते हो तो आपको हमेशा मन में ये भाव होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे साथ जुड़ने वाला है। और आपका देखो जो वो कॉन्फिडेंस से आप प्लान बताओगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। कई लोगों को मैंने देखा है हमारे टीम में भी ऐसे डरते डरते प्लान बताते और ऐसे घड़ी घड़ी देखते रहते प्रोस्पेक्ट के सामने कि उसके एक्सप्रेशन क्या है। देखो उनके एक्सप्रेशन कुछ भी हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि आप एजुकेशन लेके गए हो तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात होता है लुक्स, सबसे मेन पॉइंट। देखो ये लुक्स के ऊपर जो है मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो कल अपलोड करने वाला हूँ। गलतियां यहां पर भी हो जाती है लोगों की के स्लीपर पहन के चले गए, कुछ भी फंकी टी शर्ट पहन के चले गए, कुछ भी शर्ट पहन के चले गए, मतलब कोई ड्रेसिंग कोड ही नहीं है उनके पास, ड्रेस कोड ही नहीं है। और मैं सच बताऊं दोस्तों, 50% काम यहीं पर ही आपका सक्सेस होता है या 50% यहाँ पर नाकाम हो जाता है। जब भी आप कोई नए व्यक्ति को मिलते हो आपके लिए अनजान है, आप उनके लिए अनजान हो, लेकिन आपका एक एटीट्यूड, आपका एक अटायर, आपका एक ड्रेसिंग सेंस देख के 50% काम हो जाता है या 50% काम बिगड़ जाता है। आप कुछ भी पहन के चले गए उसके घर पे और बात करने जा रहे हो हजारों लाखों के बिजनेस की और आपका कोई लुक्स ही नहीं है, मतलब वो मैच ही नहीं कर रहा है, आप जो बोल रहे हो आपके पोस्चर से वो मैच नहीं हो रहा है, तो वो भी सोचेगा ना कि बात हजारों लाखों की करने आया है और खुद स्लीपर पहन के आया है और एक फंकी टाइप टी शर्ट पहना है तो ये बिजनेस मैन नहीं है, तो शायद आप पे भरोसा नहीं किया। इसके ऊपर मैं कल एक वीडियो पूरा बना दूंगा और ये सब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या आता है, प्रिपरेशन। आपका प्रिपरेशन कैसा है उसके ऊपर भी, प्रिपरेशन उसके ऊपर भी। देखो प्रिपरेशन दो टाइप के होते हैं, जब भी आप किसी को
प्लान बताने जाते हो तो आपका प्रिपरेशन होना चाहिए दो चीजों का, पहले से प्रिपेयर होके जाना है। एक तो आपके कुछ प्रोडक्ट्स के डेमो आने चाहिए, ये एकदम कंपलसरी है, और दूसरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और ये दोनों पार्ट कहां से मिलेंगे आपको? यहां एजुकेशन से मिलेंगे। देखो जरूरी नहीं है, देखो हमारे टीम में ऐसे बहुत ही, आज सुबह जूम मीटिंग में भी मैंने देखा कि वो आदमी ने प्लान देखा ही नहीं था, सिर्फ फ्लैक्स ऑयल का डेमो देखा और जोड़ गया। देखो जिनको जुड़ना है ना वो कैसे भी जुड़ेंगे, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बढ़िया प्लान बताओगे तब वो जुड़ेंगे, उनके लिए सिर्फ एक या दो चीजें क्लिक करने के लिए काफी होती है। और जिनको नहीं जुड़ना है दोस्तों, वो शायद गौतम वाले सर प्लान बताने आएंगे तो भी नहीं जुड़ेगा, तो बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। और ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए देखो मैं एक टिप दे देता हूँ, आपके शुरू के 50 प्लान जो है ना वो आप ये समझ के चलिए कि प्रैक्टिस प्लान है, बिल्कुल भी प्रैक्टिस प्लान समझ के। और दूसरा, लोग गलतियां क्या करते हैं, लोग सवाल करते हैं, कुछ ऑब्जेक्शन निकालते हैं, लेकिन उसके आंसर उनके पास नहीं होते। ठीक है आप नए हो, आपके पास उनका आंसर नहीं है, लेकिन आपके पास एक नोटबुक हमेशा रेडी होनी चाहिए जहां पर आप वो ऑब्जेक्शन लिख के आया करो हर बार, ताकि जब भी वो ऑब्जेक्शन दोबारा आए किसी और व्यक्ति के पास से तो उसका आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। देखो जनरली 10-5 को ऑब्जेक्शन हमेशा रहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, बच्चे छोटे हैं, सोच के बताऊंगा, वाइफ को पूछ के बताऊंगा, हस्बैंड को पूछ के बताऊंगा, पेरेंट्स को पूछ के बताऊंगा, यही सब कॉमन ऑब्जेक्शन रहते हैं। लेकिन उसके ऊपर मास्टरी लेनी पड़ेगी आपको। उसके लिए देखो एक टिप दे देता हूँ, शुरू के 50 प्लान आपको यह समझना है कि आपका प्रैक्टिस प्लान है, सिर्फ प्रैक्टिस करने गए हो, नो आए हाँ आए कुछ भी नहीं सोचना है, आपको यही सोचना है कि मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूं। तो शुरू के 50 प्लान ऐसे प्रैक्टिस प्लान कर लो। और सबसे मेन बात एफर्ट्स, देखो यहां पर ही सबसे ज्यादा जोर देना है एफर्ट्स के ऊपर, और लोग यही नहीं करते। देखो मेरा मानना यह है, बहुत सारे सब्सक्राइबर के मुझे फोन आते हैं, उनको भी मैं ये सेंटेंस दोहराता हूं कि देखिए मोटिवेशन से आदमी टिका रहेगा बट उसके घर में इनकम नहीं आएगी। इनकम तभी आएगी जब वो एफर्ट्स डालेगा। और आज जो ये इसका जो है ना, ये तो ठीक है आपको ये थोड़ा बहुत बताना था, अब ये इसका मेन फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको कि 1,00,000 रुपया इनकम गारंटेड 110% आपके घर में कैसे आएगी, तो वो वाला पार्ट एफर्ट है। लेकिन वो एफर्ट्स क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। हम मैं भी मेरे टीम में पूछता हूँ बहुत लोगों को कि ये काम किया है कि नहीं किया है, तो ज्यादातर लोग मना ही कर देते हैं। देखो 1,00,000 रुपया तभी आपके घर पे आएगा जब आपने खुद पर्सनली मिनिमम 500 लोगों का ना सुना है। मैं हाँ नहीं बोल रहा हूं, ना बोल रहा हूं। आज से ही आप एक नोटबुक ले लीजिए, पर्सनली, पर्सनल बोल रहा हूँ, टीम में नहीं बोल रहा हूँ, आपने खुद पर्सनल प्लान जितने भी किए उसमें रिवर्स में आप चले जाइए, 500, 499, 498, 497, 496, उस तरीके से रिवर्स में लिखिए। 500 लिख लिया, उसके बाजू में नाम लिख लो, 499 लिखा, उसके बाजू में नाम लिखो कि किसने मना किया है आपको। देखो आगे भी बहुत 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 काम आएगा जिन्होंने ये मना किया है। ऐसे 500 नाम आपने लिख लिए ना कि इसने मुझे मना किया, इसने मुझे मना किया, इसने मुझे मना किया, और कम से कम 150 से 200 लोगों ने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है। जब ये काम होगा ना दोस्तों, तब जाके 1,00,000 रुपया पर मंथ आएगा। आप बोलोगे सर आप तो उल्टा बता रहे हो, यहाँ यस की जगह नो लिख रहा है। दोस्तों ये बिजनेस इसी चीज का है, जितनी ज्यादा ना सुनोगे उतनी बड़ी इनकम आएगी। और ये जो ना बोलने वाला लिस्ट है ना, वो अपने आप बाद में आपके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन आपको ना सुननी पड़ेगी, ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। जनरली आप गलतियां क्या करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 मैक्सिमम 50 लोगों की ना सुनने के बाद हिम्मत हार के बैठ जाते हो कि अब मेरे से नहीं होगा। देखो सिद्धार्थ सर हमेशा बोलते हैं, कुछ लोग जुड़ेंगे काम नहीं करेंगे, कुछ डायरेक्टर तक पहुंचेंगे लेकिन छोड़ देंगे, लेकिन जिनका विजन, जिनका ड्रीम बड़े है, मर्सिडीज का है, गाड़ी बंगले का है, उनको ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं होना चाहिए। वो हमेशा हमारे फोकस पे टच रहते हैं कि भले 50 ने ना बोला, मैं और 50 ना सुनने के लिए रेडी हूँ, और 100 ना सुनने के लिए रेडी। जिस दिन आपने 500 ना सुन ली ना दोस्त, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर नहीं आया ना फिर भी 1,00,000 रुपया इनकम, तो उस दिन मुझे पर्सनली कॉल कर लेना,
कि सर ये मेरी लिस्ट रेडी है, 500 लोगों की ना सुनिए, लेकिन अभी भी मैं 1 लाख रुपीज की इनकम तक नहीं पहुंचा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 500 खत्म होने के पहले आपकी इनकम 1 लाख रुपया टच हो जाएगी, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। कितने दिन तक सिर्फ मोटिवेट बन के बैठे रहोगे घर पे, एक्शन ही नहीं करते आप लोग, और फिर कमेंट लिखते हो कि सर काम नहीं होता है, कोई जुटते नहीं है, ये नहीं। आप एक बार 500 ना सुन लो, फिर मुझे कमेंट करना कि अभी भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। मैं गारंटेड बोलता हूँ वो कमेंट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस दोस्तों आज इतना ही बताना था कि एफर्ट्स पार्ट 500 ना सुनना पड़ेगा आपको, एजुकेशन लेना पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई रखना पड़ेगा, और ये पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप जब भी किसी के पास जाते हो तो ये प्रिपेयर होके जाइए, सब आंसर रेडी करके जाइए कि तुरंत आपको क्या आंसर देना है। और जैसे मैंने बताया लुक्स के ऊपर, जहां पर 50% काम अपना आसान हो जाता है, उसके ऊपर मैं कल डेफिनेट एक वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो कैसी लगी वो पहले कमेंट में लिख दीजिए। मिलते हैं कल ये लुक्स वाले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।